सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। अब आज की वीडियो का टॉपिक है आपको एक नया माइक क्यों नहीं लेना चाहिए, अनलेस और अनटिल वो एक बोया कंपनी का माइक हो या रोड कंपनी का माइक हो। मतलब मैं सस्ते 150-200 वाले माइक की बात कर रहा हूँ। जो गलती मैंने करी वो गलती आप ना करो, इसलिए मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। सो सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि आपको माइक चाहिए क्यों, जरूरत क्या है, और उस जरूरत को बिना माइक के पूरा किया भी जा सकता है या नहीं। लाइक अगर आप यूट्यूबर हो सो वो आप सस्ते माइक के बिना कैसे कर सकते हो। आपने सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा ऑडेसिटी, ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। इस सॉफ्टवेयर की वजह से आप माइक से लगभग या माइक से ज्यादा अच्छी क्वालिटी ले सकते हो मोबाइल फोन के माइक से। अब यार मुझे इस सॉफ्टवेयर के बारे में पता नहीं था, जब तक मैंने माइक लिया उसके बाद ही मुझे पता लगा। सो एग्जांपल के तौर पे अभी आप मेरी आवाज सुन रहे थे, मैंने माइक लगा रखा है जो मैं 150 रुपए का लाया था लोकल मार्केट से, और ऑडेसिटी के साथ मैंने ट्यून कर रखी है सारी की सारी आवाज। अब मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा कि मोबाइल फोन का माइक, जो एक डेडिकेटेड माइक लेके आ रखा हूँ मैं 150 रुपए का, उसकी और एक ईयरफोन्स के माइक की, ठीक है, कंपेरिजन आपको अभी करके दिखाऊंगा। अब मैं इस फोन में आवाज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मैंने ऑडेसिटी के साथ ट्यून नहीं कर रखी, बैकग्राउंड में कूलर भी चल रहा है उसकी भी आवाज आ रही होगी आपको। अब ये आवाज मेरी रिकॉर्ड तो फोन में ही हो रही है, सेम फोन है पिछले वाला, लेकिन मैंने ऑडेसिटी के साथ इस ऑडियो क्लिप को ट्यून कर दिया, बैकग्राउंड नॉइस हटा दी, ट्रेबल बेस हाई कर दिया, ये सब। सो आपको फर्क अच्छा खासा देखो क्या हुआ है ना। अब मैंने वापस से माइक लगा लिया है, ऑडेसिटी के साथ ट्यून कर रखा है। अब जो मेरी आवाज सुन रहे हो ना, ये वही माइक है जिसे मैं अपनी मैक्सिमम वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन बिना ऑडेसिटी के ट्यून के साथ। अब आपको फर्क पता लग गया होगा कि ऑडेसिटी क्या जादू करता है आवाज में। मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर की मदद से आप बिना माइक के भी अच्छी रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी वॉइस। और ऑडेसिटी भी नहीं है तो अच्छा ऐसा माइक भी ले लो, उससे भी मतलब इतनी क्लैरिटी या बैकग्राउंड नॉइस नहीं हटती। अभी तो चलो कूलर चल रहा है, कूलर ना भी चल रहा हो तब भी बैकग्राउंड में छोटी छोटी जो नॉइस आती है ना बहुत कम, वो भी बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होती है। अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ईयरफोन से, जो मैंने MI के ईयरफोन्स आते हैं 400 रुपए के, MI बेसिक्स, उन ईयरफोन्स का रिव्यू भी कर रखा है। उसी ईयरफोन्स के माइक से मैं ऑडियो कैप्चर कर रहा हूँ, और ये ऑडियो ऑडेसिटी के साथ ट्यून्ड है, और ये ऑडियो उसी माइक है जो ईयरफोन के साथ आता है और ऑडेसिटी के साथ ट्यून्ड नहीं है। आपको इसमें भी फर्क पता लग गया होगा है ना। सो मैं वापस अपने माइक पर आ गया हूँ। अब यार मैंने आपको तीनों चीजें करके दिखा दी, मोबाइल फोन का माइक अलग से जो डेडिकेटेड 150 रुपए का माइक आता है वो, और एक मेरे ईयरफोन्स का माइक। सो फर्क जो आता है वो आपके सामने है, आपको पता लग गया होगा। अगर आप अच्छा 150-200-250 तक का भी माइक लेते हो इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी जितने आप फोन के माइक या ईयरफोन के माइक और ऑडेसिटी के साथ आ जाएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऑडेसिटी और माइक खराब है, अच्छे हैं, लेकिन स्टार्टिंग ही अगर आप करियर कर रहे हो अपना, बेशक यूट्यूबर हो या कुछ भी, तो 150-200 रुपए लगाने से अच्छा आप अपने पैसे और ज्यादा सेव करो। कम से कम बोया का BY-M1 आता है, शायद 800-900 का माइक आता है, कम से कम उसमें इन्वेस्ट करो। अब ये गलती मैंने करी, 150 रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिया, बाद में अगर मेरे पास कुछ पैसे आते इस यूट्यूब चैनल से सो मैं बोया का BY-M1 लूंगा, जबकि मेरा काम इस माइक के बिना चल सकता था है ना, फोन से ईयरफोन के माइक से रिकॉर्ड करके। और जब मैं बोया का BY-M1 माइक लूंगा उसकी क्लैरिटी ऑडेसिटी के साथ अलग ही लेवल पर होगी, वो वर्थ बिल्कुल करता है। लेकिन ये 150-200 वाले माइक के बिना आपका काम चल सकता, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने माइक लिया 150 रुपए का, मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता था, बाद में पता लगा और रिजल्ट्स आपके सामने है। मैं आपको ये कर रहा हूँ, अगर आप करियर स्टार्ट कर रहे हो तो ऑडेसिटी सीख लो। सो या दैट्स इट। अब यार मैं कह रहा हूँ 150 वाला माइक मत लो, तो फोन का ही माइक यूज करें। हाँ अगर आपके पास ईयरफोन्स है सो वेल एंड गुड, ईयरफोन्स का माइक भी आप यूज कर सकते हो। बाकी अगर ईयरफोन्स भी नहीं है सो फोन का इनफ रहता है, स्टार्टिंग आप अपना इससे कर सकते हो। अब मैं ऑडेसिटी की बात कर रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है, ज्यादा हैवी भी नहीं है, जियो के नेट से ही इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर का एक ही कौन है जो कि शायद मुझे पता है कि ये सॉफ्टवेयर लैपटॉप में ही चलता है। मोबाइल फोन में एडिटिंग करते हो तो शायद मोबाइल फोन के लिए वो वाला सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, ऑडेसिटी एक यही कौन है, और अगर होगा भी तो मुझे नहीं पता, ठीक है, बाकी मोस्ट प्रोबेबली नहीं है। अब आपको देखना कि मैं पूरी वीडियो अपनी एडिट कैसे करता हूँ, सो ये वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कुछ भी डाउट हो, सजेशन हो, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, एंड आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।